आपका कार्यक्रम आप ही मेहमान, 100 से 500 लोगों को खाना बनाकर होम डिलीवरी उपलब्ध। जी हाँ, राकेश तिवारी कैटर्स पेश करते हैं स्वादिष्ट भोजन की संपूर्ण श्रृंखला। छतरपुर जिला अस्पताल में डॉक्टरों के न बैठने पर परेशान महिलाओं ने अस्पताल के बाहर नेशनल हाईवे पर प्रदर्शन करते हुए चक्का जाम कर दिया। तो महिलाओं को समझाने आए छतरपुर SDM अनिल सपकाले ने मीडिया को दिए इंटरव्यू में गलत टिप्पणी करते हुए कहा कि अवेयरनेस यानी जागरूकता न होने की वजह से इस तरह की परिस्थिति बनती है, लेकिन SDM ने जांच किए बगैर महिलाओं के प्रदर्शन को झूठा करार देते हुए डॉक्टरों का फेवर करते हुए कहा कि जिला अस्पताल में लगातार डॉक्टर बैठा करते हैं। डॉक्टर यहाँ पर अवेलेबल है, सिविल सर्जन से भी हमारी बात हुई है, लोगों के द्वारा जो है व्यवस्था को समझाने जाता और अनावश्यक रूप से जाम कराया जाता है। अभी एक व्यक्ति और जो जाम करने के लिए कह रहा था, तो पता चला कि उसकी पर्ची ऑलरेडी लिखी हुई है, उसको जो है मेडिकल पर से दवाइयाँ लेना है, 6 महीने की उसकी दवाइयाँ लिखी है। तो क्या माना जाए किसी के द्वारा जाम लगवाया गया होगा? लोगों में अवेयरनेस नहीं होने की वजह से इस प्रकार की परिस्थिति बनती है, तो लोगों को समझाइश दी गई है, भविष्य में इस प्रकार की परिस्थिति नहीं बने। दरअसल छतरपुर जिला अस्पताल में इन दिनों इलाज कराने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, और ऐसे में डॉक्टरों का समय पर न बैठना और अस्पताल में मरीजों की लंबी लंबी कतार रोजाना देखी जा रही है, जिस पर गुरुवार को इलाज कराने आई कुछ महिलाओं को चैम्बरों में डॉक्टर नहीं मिले तो वह भड़क उठी और जिला अस्पताल में बाहर नेशनल हाईवे पर डॉक्टरों के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए चक्का जाम किया। साथ ही महिलाओं ने आरोप लगाए हैं कि डॉक्टर अस्पताल में देखने की बजाय घर पर इलाज कराने की सलाह देते हैं, मगर प्राइवेट दिखाने के लिए फीस नहीं होती है, इसलिए परेशान होना पड़ता है। इसलिए 2 महीने से दवाई के लाने फिर रहे, एक और डॉक्टर बैठे भी नहीं, पर्चा कटवा ले जाते हैं वो चले जाते हैं। क्या कहते हैं? घर पे आओ, घर पे मेरे पास पैसे नहीं है, 5 का फीस लेके बुला रहे हैं। हाँ। यहाँ पे अस्पताल में क्या हालात है? यहाँ हमें है ही नहीं है डॉक्टर, बोले मैं अभी छुट्टी पे हूँ। तो आप चक्का जाम कब तक करेंगी? जब तक इलाज नहीं होगा, दवाई नहीं देंगे। उधर महिलाओं के प्रदर्शन की वजह से घंटों तक नेशनल हाईवे पर जाम लगा रहा, जिसमें स्वास्थ्य विभाग की एम्बुलेंस भी फंस गई थी, जिसे कुछ लोगों की मदद से कड़ी मशक्कत के बाद निकलवाया गया। महिलाओं के प्रदर्शन की जानकारी लगते ही पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और महिलाओं को इलाज कराने का वादा करते हुए जाम खुलवाया गया और सभी महिलाओं का इलाज प्रशासन की टीम ने सिविल सर्जन से कराया। जो जिस ढंग से अभी मैंने देखा चक्का जाम किया गया था, तो उनका कहना था अगर प्लास्टर नहीं कटा, प्लास्टर कटने का टाइम ही नहीं था, मरीज के पास एक्सरे नहीं था, बगैर एक्सरे देखे बगैर टाइम के प्लास्टर नहीं काटा जाता है। महिला डॉक्टर एक ओटी में है, एक बैठी है महिला डॉक्टर, 2 महिला डॉक्टर बैठी है, लेकिन क्या होता है इनको अपने पसंद के डॉक्टर चाहिए, ये पसंद के डॉक्टर तो नहीं मिल पाएंगे सरकारी अस्पताल में, जिसकी ड्यूटी होगी वही मिल पाएगा। महिलाओं का आरोप है कि डॉक्टर साहब कहते हैं घर पे प्राइवेट दिखवाने आइए, इस पे क्या कहना है? नहीं, ये मेरी जानकारी में नहीं है, अगर ऐसा कोई कहता है मुझे पता लग जाएगा तो मैं एक्शन लूंगा उसको, ऐसी मेरे पास कुछ ऐसा कोई कहता भी नहीं। बैठने का समय क्या है? समय 9 से 4 डॉक्टर को बैठने का समय है, लेकिन 9 से 11-12 तक तो अपने राउंड लेंगे, क्योंकि अस्पताल में मरीज काफ़ी बढ़ती रहते हैं, उनको भी देखना पड़ता है, वो 24 घंटे डॉक्टर के इंतजार में रहते हैं, पहले उनको देखेंगे वो निपटाने के बाद फिर आउटडोर में बैठेंगे। फुल समय बैठ रहे हैं डॉक्टर? हाँ, जिनको बैठना है, जिनके जो बैठने हैं वो बैठ रहे हैं। सभी को बैठना? नहीं, सब बैठ ही नहीं सकते हैं, वही जो नाइट ड्यूटी करेगा उसका ऑफ रहेगा, कुछ डॉक्टरों का कोडिपेंडेंस रहेगा, किसी की कहीं ड्यूटी लगी, कोई ट्रेनिंग में रहता है, कोई छुट्टी पे भी है, कोई बीमार भी है, सब एक साथ कैसे बैठ सकते हैं? आज महिलाओं ने प्रदर्शन किया है, इसके बाद अब कैसी ये अनावश्यक प्रदर्शन था, जो 2-3 पॉइंट जो मैंने अभी देखे हैं उनके पॉइंट देखे तो ये पॉइंट में कोई नहीं, क्योंकि प्लास्टर कटना मरीज के अनुसार नहीं काटा जाता है, ट्रीटमेंट मरीज के अनुसार नहीं होता है, चिकित्सक के अनुसार होता है। प्लास्टर काटने के लिए हमको उनका एक्सरे चाहिए, पर्चा चाहिए, ताकि देखे कि कितना समय था, इस फ्रैक्चर में कितना समय लगता है, अगर उचित होगा तो काटा जाता है, सबके कटते हैं तो इसका भी कट जाएगा, अगर कोई पूरी चीजें नहीं लाएगा वो, मान लो हमने प्लास्टर काट दिया। छतरपुर से लोकेश चौरसिया, सागर टीवी न्यूज। आपका कार्यक्रम आप ही मेहमान, 100 से 500 लोगों को खाना बनाकर होम डिलीवरी उपलब्ध। जी हाँ, राकेश तिवारी कैटर्स पेश करते हैं स्वादिष्ट भोजन की संपूर्ण श्रृंखला, लंच, डिनर, सलोनी चाट, VIP वेटर,
प्लेट अनुभवी कारीगरों द्वारा भोजन तैयार करने की व्यवस्था अब आपके बजट के अनुसार 100 रुपए से 2000 रुपए तक की संपूर्ण सामग्री सहित कैटरिंग वुडन सेटअप वीआईपी काउंटर डेकोरेशन के साथ शादी विवाह जन्मदिन एवं अन्य मांगलिक कार्यक्रमों में खाना बनाने के लिए आज ही संपर्क करें। हमारा पता है लच्छू चौराहे के पास महर्षि दयानंद वार्ड पठा सागर।